हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इन्वेस्टमेंट एंड ब्लॉग। आपकी स्क्रीन पे आप एक कोड देख पा रहे हैं जिसमें लिखा है कंट्रोल योर मनी बट डोंट लेट मनी कंट्रोल यू। अब ये हमारे प्रसाद सर जो कि फाउंडर हैं इन्वेस्टमेंट एंड ब्लॉग के, उनका दिया हुआ कोट है जिसमें कि वो बताना चाह रहे हैं कि आप मनी को कंट्रोल कीजिए, ना कि मनी आपको कंट्रोल करे। अब इसका मतलब क्या है? कभी कभी ऐसा होता है, हम कई बार फ्यूचर एंड ऑप्शंस में इतना बड़ा पोजीशन ले लेते हैं कि नेक्स्ट रात को हमें नींद ही नहीं आता है। तो ये क्या हुआ? मनी आपको कंट्रोल कर रहा है, आपका डर हमेशा उसमें लगा रहता है कि अरे कल मार्केट क्या होगा। तो आपको ये नहीं करना है, आपको हमेशा अपने पोजीशन साइजिंग का ध्यान रखना है, जिसका मतलब होता है मनी को आप कंट्रोल कीजिए। आप देखिए कि आपको एक पोजीशन में अपना कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना है। तो इस छोटे से कोड का बस यही मतलब था कि आप अपने पोजीशन साइजिंग पर ध्यान दीजिए, आप मनी को कंट्रोल कीजिए, ना कि मनी आपके नींद को, आपके चैन को, आपके भूख प्यास को मिटा दे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये शेयर मार्केट में अगर आप इसको मेंटेन करके रखेंगे तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। आप अच्छा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। आप एक बोलते हैं ना कि मतलब आप फ्यूचर अपना सोच सकते हैं कि हाँ, आप कैरियर अपना बना सकते हैं स्टॉक मार्केट में। तो अगर आप स्टॉक मार्केट में कैरियर बनाना चाहते हैं तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि हमेशा आपको अपने पोजिशन साइज का और स्टॉप लॉस का ध्यान रखना है, और फिर ही आप पोजीशन बनाएं किसी भी स्टॉक के अंदर। तो आज अब ज़्यादा बात ना करते हुए इस वीडियो में हम दो स्टॉक के बारे में देखेंगे जिसके लिए हमने पहले अपने जो क्लाइंट्स हैं उनको पहले बता दिया था कि वो निकल सकते हैं। तो ऐसा हमने क्यों बताया था वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। मतलब कि इन अनदर वर्ड आप ये बोल सकते हैं कि आज हम RSI का यूज़ और साथ में एक कैंडल स्टिक का जो पैटर्न होता है बियरिश इंगल्फिंग, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम अदानी पावर के चार्ट पे चलते हैं। हमारा जब यहाँ पे ब्रेकआउट आया था ये वाले का 345 के आसपास, हमने एक बाई कॉल दिया था अपने क्लाइंट्स को कि 345 के बाद वो लोग बाई कर सकते हैं। तो जब हमने ये कॉल दिया था उस समय भी जो RSI था वो 70 के आसपास ट्रेड हो रहा था। तो हमने उस समय भी कहा था कि अगर ये 80-85 के आसपास आता है तो वहाँ से निकल जाना बेटर रहेगा। क्यों? क्योंकि अभी देखिए हम डेली चार्ट देख रहे हैं, डेली चार्ट में भी आपका RSI 84 पे है। अगर हम वीकली चार्ट लगाएं तो वीकली चार्ट में भी RSI हमारा 81-83 पे है, और अगर मंथली चार्ट देखें तो मंथली चार्ट में भी RSI 85 पे ट्रेड हो रहा है। मतलब कि ये अभी ओवरबाउट जोन में आ चुका है। तो अभी बहुत पिछले कुछ महीने में ही अगर देखिए तो बहुत ज़्यादा हमें शेयर प्राइस में इंक्रीमेंट देखने को मिला है। अगर हम बस ये मार्च से बात करें, फरवरी लास्ट से बात करें, तो फरवरी में 140 रुपये का शेयर था, वो 140 से अभी 410 पे ट्रेड हो रहा है। तो तीन गुना चार गुना ये शेयर हो चुका है पिछले सिर्फ पाँच से छः महीने में। काफ़ी ज़्यादा ये बढ़ चुका है, बहुत लोग इसको बाइक कर चुके हैं। तो अब ऐसा लग रहा है कि इसमें थोड़ा करेक्शन आ सकता है, जिस कारण से हमने कल ये कॉल दिया था कि वो जो हमारे क्लाइंट्स हैं वो यहाँ से निकल जाए। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब आपका RSI डेली, वीकली और मंथली तीनों में अगर वो 80 के आसपास आ जाता है, 80 को क्रॉस कर देता है, तो आप वहाँ से निकल जाइए। आप अपना अगर आप पूरा पोजिशन खाली नहीं भी करते हैं तो स्टिल आपको अपना कुछ 50-70% तक का पोजीशन वहाँ से खाली कर लेना चाहिए सेफर साइड में रहने के लिए। तो ये तो हुआ यूज़ ऑफ RSI। बहुत ही लेमैन वाले लैंग्वेज में मैंने आपको बताया कि सिंपली जब डेली, वीकली और मंथली इन तीनों में आपका RSI 80 को क्रॉस कर जाए, आपको वहाँ से निकल जाना है। अगर आप फुल नहीं भी निकलते तो आपको अपना कुछ पोजीशन, अपना कुछ प्रॉफिट बुक ज़रूर करना है। ये तो हुआ RSI का बात। अगर हम बात करें, पिछले एक दो दिन पहले मैंने दिव्यानी इंटरनेशनल का कॉल दिया था। अगर हम दिव्यानी इंटरनेशनल का चार्ट देखें तो यहाँ पे हमने जो ब्रेकआउट आया था उसमें हमने बोला था कि आप वहाँ पे पोजीशन बना सकते हैं 198 से 200 के बीच में, लेकिन फिर 210 के करीब हम वहाँ से निकल गए थे। तो यहाँ से हम लोग क्यों निकले थे? इसने अपना हाई बनाया था 215 का, लेकिन 210 के करीब हम निकले थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो कैंडल स्टिक पैटर्न फॉर्म हो रहा है, ये देखिए ये बियरिश इंगल्फिंग है। ये जो ग्रीन कैंडल है, इस ग्रीन कैंडल को ये रेड कैंडल पूरा खा गया है, मतलब पूरा इंगल्फ कर गया है।
और ये बहुत हाई पे जाके बना था। अगर इसका यहाँ पे हम RSI देखें तो ये भी 80 के आसपास का RSI था। तो इसलिए हम इस दिन ही हम वहाँ से निकल गए थे 210-211 के करीब, जो कि जिस दिन ये हमें इनगल्फिंग का ये सिग्नल मिला था। और वहीं से ये हम लोग कल निकले थे, और आज देखिए आज फिर से शेयर प्राइस वहाँ से टूट के 210 से टूट के वो फिर से अभी 198 पे आ गया। मतलब आज के दिन ही हमें देखा जाए तो 3-4% का फिर से फॉल देखने को मिला है। तो ये दो पैटर्न थे, एक कि टॉप में जब बियरिश इनगल्फिंग होता है, और दूसरा कि RSI जब 80 से ऊपर जाता है। तो इस दोनों चीज़ में आपको सतर्क रहना है। ये छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो कि हम अपने कोर्स में भी बताते हैं। तो अगर आपको हमसे स्टॉक मार्केट का कोर्स परचेज करना है तो आप ऊपर मेंशन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। हम डिस्कस कर सकते हैं उसमें कि लाइक क्लासेस का टाइमिंग क्या रहेगा एंड ऑल। हमारा 2-3 लैंग्वेज में क्लासेस चलता है, हिंदी में, इंग्लिश में और साथ में उड़िया में। तो तीनों में से जो भी आपका प्रेफर्ड लैंग्वेज है आप वो चूज़ कर सकते हैं। और साथ में हमारा ऑनलाइन बैचेस भी है, ऑफलाइन बैचेस भी है। मॉर्निंग में भी क्लासेस होती है, इवनिंग में भी क्लासेस होती है, और साथ में जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए वीकेंड्स क्लास का भी अरेंजमेंट है हमारे पास। तो अगर आप हमसे कुछ भी ऐसे ट्रिक्स सीखना चाहते हैं, पूरे स्टॉक मार्केट का पूरा कोर्स परचेज करना चाहते हैं, तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। और एक जो सबसे यूनिक चीज़ है कि हमारे जितना भी क्लासेस होता है वो ऑनलाइन होता है, कोई भी रिकॉर्डेड वीडियोज़ हम लोग प्रोवाइड नहीं करते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, अगर आप कुछ नॉलेज मिला हो, आपको RSI का यूज़ पता चला हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।